हेलो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर थ्री फाइबर टू फैब्रिक अब जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें आ, एनिमल से मिलते हैं ना जैसे एग्स मीट मिल्क वगैरह तो इसी तरह से कुछ फाइबर्स भी हमें एनिमल से मिलते हैं अब जैसे सिक्स क्लास में आपने पढ़ा था प्लांट फाइबर्स के बारे में जो हमें प्लांट से मिलते हैं जैसे कॉटन और जूट के बारे में पढ़ा है तो इस चैप्टर में हम एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें एनिमल से मिलते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वी शुड नो अबाउट द फाइबर्स कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फाइबर्स होते क्या हैं सो फाइबर्स आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स फ्रॉम विच फैब्रिक्स आर मेड के पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो धागे होते हैं जिनसे हम फैब्रिक बनाते हैं क्लॉथ बनाते हैं ठीक है तो जनरली देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स दो तरह के फाइबर्स होते हैं एक तो होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर तो नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं नेचुरल फाइबर्स होते हैं द फाइबर्स डेट आर ओब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते मिलते हैं मतलब प्लांट और एनिमल्स से मिलते हैं जैसे प्लांट फाइबर्स कॉटन और जूट हो गया तो इसी तरह से एनिमल फाइबर्स होते हैं जैसे सिल्क हो गया वूल हो गया तो ये हो गए एनिमल फाइबर्स ये दोनों ही हमें नेचुरल सोर्सेस से मिलते हैं तो इसी तरह से सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स और मेन मेड फाइबर्स डिराइव फ्राम द केमिकल सोर्सेज जो हमें केमिकल सोर्सेज मिलते हैं जिनमें केमिकल्स भी होते हैं जैसे नाइलन पॉलिएस्टर पॉलीथीन वगैरह तो ये सारे हो गए सिंथेटिक फाइबर्स अब इसमें हमें इस चैप्टर में हमें दो फाइबर्स के बारे में पढ़ना है ना सिल्क और वूल के बारे में जो कि हमें एनिमल्स से मिलते हैं तो सबसे पहले अब देखो वूल तो हमें शीप से मिलता है मेनली और इसी तरह से सिल्क हमें सिल्क मौत से मिलता है कोकून ऑफ द सिल्क मौत तो सबसे पहले हम वूल के बारे में पढ़ेंगे अब वूल हमें शीप से मिलता है ना तो अब uh, क्या है इट इज ऑब्ट फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द शीप अब शीप में क्या होता है ना जनरली देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स इन शीप्स हेयर शीप्स जो हे, शीप्स के हेयर होते हैं ना दो तरह के होते हैं एक होता है तो कोर्स बियर्ड हेयर और दूसरा होगा फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर डेट इर क्लोज टू द स्किन तो कोर्स बियर्ड हेयर क्या हो गया जो बिल्कुल शीप के ऊपर ऊपर जो रफ से हेयर्स होते हैं ना वो coarse beard hair हो गए कोर्स बियर्ड हेयर और दूसरे हो गया फाइन सॉफ्ट हेयर जो उसकी स्किन के बिल्कुल क्लोज होते हैं बिल्कुल साथ में जो होते हैं तो मेनली जो हमें वूल जो हमें मिलती है ना तो वो हमें कहाँ से मिलती है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर की जो उसकी स्किन के बिल्कुल पास पास होती है ना तो उसी से हम वूल ऑब्टेन करते हैं अब इसके लिए क्या होता है टू ऑप्टेन द ब्रीड्स ऑफ शीप डेट वजली फाइन अंडर हेयर देयर पेरेंट्स आर चूजन कि सिर्फ फाइन जो सॉफ्ट हेयर होते हैं ना उनको लेने के लिए हमें कुछ पेरेंट्स जो है कुछ शीप्स जो है ना उनको चूज किया जाता है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या हो गया द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑबटेनिंग स्पेशल करेक्टर्स इन देयर ऑफ स्प्रिंग्स इज नोन एज ब्रीडिंग की वो प्रोसेस की जिसमें कुछ शीप्स को सेलेक्ट किया जाता है किस लिए फॉर ऑबटेनिंग द वूल उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग अब क्या होता है ना देर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वूल की वूल की डिफरेंट सोर्सेज है जैसे यॉक वूल है जो हमें यॉक से मिलता है एंड इट इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख इसी तरह से अंगूरा वूल इट इज़ ऑप्टेंड फ्रॉम द अंगूरा गोट एंड इज फाउंड इन गली रीजन ऑफ जैन के इसी तरह से कैमल की बॉडी पे जो फर होती है डेट इज़ ऑल्सो यूज एज द वूल और कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे लियामा एंड अल्पाका डेट आर फाउंड इन द साउथ अमेरिका एंड ना कि वूल जो है इट मेनली कम्स फ्रॉम द शीप तो अब क्या होता है फॉर ऑपटेनिंग वूल शीप आर रियर एंड ब्रेड एंड देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल की शीप्स को पाला जाता है उनकी देखभाल की जाती है और अच्छे से उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है किस लिए फॉर ऑप्टेनिंग द वूल अब ये किस लिए किया जाता है कि हमें अच्छी क्वालिटी की वूल मिल सके और लार्ज क्वान्टिटी में मतलब बहुत ज्यादा क्वान्टिटी में हमें वूल मिल सके और अच्छी क्वालिटी की वूल मिल

हॉट वेदर के जब थोड़ी गर्मी हो कि जिसकी वजह से जो क्योंकि अब जो शीप के जो हेयर्स होते हैं ना इट इज़ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ द हेयर कि वो उसको शीप को प्रोटेक्ट भी करता है मतलब सर्दी से भी बचाता है तो ये ड्यूरिंग हॉट वेदर किया जाता है कि सर, शीप को सर्दी वगैरह ना लग सके और इसी तरह से जब उसके हेयर रिमूव कर देते हैं ना तो कुछ टाइम के बाद जो है फिर से उसको न्यू हेयर जो है वो ग्रो कर जाते हैं उसकी बॉडी पे ये बाद आता है सेकंड प्रोसेस स्कोरिंग फर्स्ट हो गया शेयरिंग जिसमें रिमूव किए जाती है उसके हेयर्स और सेकंड हो गया स्कोरिंग तो स्कोरिंग में क्या होता है इन दिस प्रोसेस द शेयर स्किन विद हेयर इज़ वॉश टू रिमूव द ग्रीस डस्ट एंड डर्ट अब इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जो उसके हेयर्स रिमूव किए होते हैं ना उनको वॉश किया जाता है कि उसमें से जो डस्ट वगैरह जो डर्ट वगैरह है वो रिमूव हो जाए और ये प्रोसेस जो होता है ना स्कोरिंग इट इज़ डन बाई द मशीन्स मशीन्स के थ्रू किया जाता है अब इसके बाद थर्ड आता है सॉर्टिंग फर्स्ट हो गया शेयरिंग स्कवरिंग देन सॉर्टिंग सॉर्टिंग में क्या होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द हेयर ऑफ़ द शीप अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेक्स्चर्स कि शीप के जो हेयर हमने जो डिफरेंट शीप से लिए हैं ना अब उसमें डिफरेंट टेक्स्चर्स के जैसे किसी के रफ होंगे किसी के सॉफ्ट होंगे डिफरेंट कलर्स uh, के होंगे अब वो सारे मिक्स होते हैं ना तो उन सबको सेपरेट किया जाता है अलग अलग करके रखते हैं फिर उसके बाद होता है फोर्थ स्टेप रिमूविंग ऑफ बर्स अब रिमूविंग ऑफ बर्स क्या होता है द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कार्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स अब जो हमें शीप के जो हेयर्स हमने कलेक्ट किए होते हैं ना तो उसमें अब छोटे छोटे कुछ फाइबर्स होंगे ना जो बिल्कुल छोटे छोटे फाइन फाइबर्स जो होंगे उनको रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिमूविंग ऑफ बर्स आप वो जब छोटे छोटे फाइबर्स रिमूव करेंगे तो उसके बाद हमें बिल्कुल जो है क्लीन हेयर्स मिल जाएंगे और उनको फिर हम सुखा लेंगे उसके बाद क्या होता है कलरिंग ऑफ वूल फाइबर्स अब कलरिंग ऑफ वूल फाइबर्स क्या हो गया अब जो भी हमें फाइबर्स मिले हैं ना उसको क्या करते हैं इन दिस स्टेप फाइबर्स आर डाइड इनटू डिफरेंट कलर्स के अलग अलग अब जैसे किसी शिप के वाइट कलर के हेयर्स थे तो अब सबको उनको डाई करेंगे डिफरेंट कलर्स में डाई करते हैं अब उसके बाद होता है रोलिंग ऑफ वूल तो रोलिंग का वूल क्या हो गया द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड एंड एंड रोल्ड इन टू यॉन अब जो हमें फाइबर्स मिले हैं ना डिफरेंट शेप से हमने जिनको कलर भी कर लिया तो अब उसके बाद उनको क्या किया जाता है बिल्कुल स्ट्रेट एंड मतलब कॉम्बिंग के प्रोसेस से बिल्कुल उनको सीधा करके फिर उनको रोल किया जाता है दे आर रोल्ड इन टू यौन्स अब उसके बाद क्या होता है जो लॉन्ग फाइबर जो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं ना वो हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग स्वेटर्स और जो छोटे छोटे फाइबर्स हमें उसमें से मिल जाएंगे अलग से तो उनको वुलन क्लॉथ्स के लिए यूज़ करते हैं और फॉर डिफरेंट पर्पजेज ये सारा हो गया प्रोसेसिंग ऑफ वूल को कौन कौन से स्टेप्स हैं इस फर्स्ट हो गया शेयरिंग सेकेंड हो गया स्कोरिंग दैन सॉटिंग दैन रिमूविंग ऑफ बर्स कलरिंग ऑफ वूल फाइबर्स एंड सिक्स सिक्स वाला क्या हो गया रोलिंग ऑफ वूल ये सिक्स स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते किसपे फॉर ऑपटेनिंग द वूल अब इसमें एक और टर्म यूज़ होती है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड अब ऑक्यूपेशनल हैजर्ड क्या होता है अब जैसे वूल इंडस्ट्री है ना जहाँ पे वूल प्रोड्यूस की जाती है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो काम करते हैं अब क्या होता है कि वहाँ पे जो शॉर्टर्स uh, जॉब होती है मतलब तो जो अभी पढ़ा ना नेक्स्ट स्टेप होता है सॉर्टिंग के डिफरेंट टेक्चर की है सॉर्ट आउट करते हैं अब डिफरेंट प्रोसेस होते हैं तो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे होते हैं ना उस वूल uh, इंडस्ट्री में तो वहाँ पर एक डिजीज़ हो जाती है कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे अंथ्रैक्स बैक्टीरिया तो उसकी वजह से एक डिज़ीज़ होती है जिसको बोलते हैं सॉटर्स डिजीज अब वो जो वहाँ पे लोग जो काम करते हैं ना तो उसको बोलते उनको वो डिजीज होती है सॉटर्स डिजीज एंड द रिस्क फेस्ड बाय द पीपल वर्किंग इन एनी इंडस्ट्री ड्यू टू द नेचर ऑफ देयर वर्क इज कॉल्ड द ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है जो लोग वहां पे काम करते हैं उनको जो भी रिस्क जो फेस करने पड़ते हैं उसकी वजह से जो भी डिफरेंट डिजीजेज होती हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजर्ड ये सारा हो गया प्रोसेसिंग ऑफ वूल तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में कि सिल्क हमें कैसे मिलता है Thanks.